नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। फरियादी शुभम सोनी पिता कमल कुमार सोनी उम्र 25 निवासी विकास नगर ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को वह उसकी दुकान रश्मि ज्वेलर का ताला खोलकर सोने चांदी के गहनों का भरा बैग दुकान के अंदर रखकर दुकान के सामने मंदिर में दर्शन करने चला गया था। इस दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार अज्ञात 3 व्यक्ति उसकी दुकान के अंदर से वह बैग उठाकर चले गए। पुलिस स्टाफ फरियादी के रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था। प्रकरण घटना दिनांक से पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन 4-5 महीने के बाद भी इसका पता नहीं चल सका। इस बार एसपी कृष्णावेणी देसावतु के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर व एसपी अनिल सिंह राठौर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। नवागत पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी क्षेत्र प्रतिष्ठा राठौर ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल ने करण पिता राजेंद्र उम्र 20 साल कंजर डेरा धातु या रोड के रावत को काफी प्रयास के बाद घेराबंदी कर पकड़ा। उससे सख्ती से पूछताछ की तो काफी प्रयास के बाद करण कंजर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा हुआ है, कब की घटना थी और क्या है? दिनांक 11/10/19 को फरियादी शुभम सोनी पिता कमल कुमार सोनी ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी दुकान जो कि रश्मि ज्वेलर नाम से विकास नगर एलआईजी चौराहे पर है, वहां से एक ज्वेलरी से भरा बैग लेकर 3 अज्ञात आरोपी एक पल्सर बाइक से जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी से उनका ज्वेलरी से भरा बैग लेकर भाग गए हैं। 11/10/19 को ये रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई गई थी। उसके बाद काफ़ी अथक प्रयासों के बाद हम लोगों ने जो भी संदिग्ध आरोपी थे उनकी घेराबंदी की, काफ़ी पता करने की कोशिश की और उसके बाद हमें माल और मुलजिम का पता चला। इसमें से एक मुलजिम हमारी पकड़ में है जिसे हमने एक दिन के पीआर पर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मैम, काफ़ी दिनों से इसमें जो शिकायतकर्ता थे उनकी ये भी बात आ रही थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कुछ बताएंगे आप इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि 5-6 महीने हुए थे और धारा 380 के तहत हमने मुकदमा दायर किया था और इसमें थोड़ी जांच में समय लगता ही है क्योंकि आरोपी अज्ञात थे, तो इसमें जांच में थोड़ा समय लगा होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, मेरी नज़र में आया कि एक 380 धारा IPC के तहत एक मामला यहाँ पर है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस पर हमने पूरी अथक प्रयासों से इसकी पूरी पतारसी करने की कोशिश की और एक मुलजिम हमारे गिरफ्त में है। अनुमानित लागत कितनी है? इसकी अनुमानित लागत 2 लाख रुपये करीब है। कोई नकदी भी था मैडम? आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।